एक सास की पांच विधवा बहुओं की शादी। ईश्वर ने शांति देवी को पांच बेटों का सौभाग्य दिया था, जिनके नाम थे ब्रजेश, सुरेश, महेश, निवान और विवान। जिनके ब्याह से शांति देवी के घर पांच बहुएं आईं, जिनके नाम थे अनीता, सुनीता, ललिता, कविता और बबीता। जिनका स्वागत करते हुए शांति कहती है, बहु अपने दाहिने कदमों से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। पांचों भीतर आकर अपनी सास शांति का आशीर्वाद लेती हैं। तभी शांति कहती है, जुग जुग जियो मेरी बहुओं, दूधो नहाओ पूतो फलो। आज मेरे सालों का सपना साकार हो गया। ईश्वर ने मुझे पांच सपूतों के सौभाग्य के साथ साथ पांच सर्वगुण संपन्न बहुओं का सुख भी आज दे ही दिया। मेरी बड़ी आस थी कि मेरी बेटी हो, मगर वो पूरी ना हो सकी। पर आज से तुम पांचों मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। ये सुनकर पांचों बहू शांति से लिपट जाती हैं, जिसके बाद पांचों अपने पति के साथ शादी की शुरुआत करती हैं। समय गुजरता है, फिर एक दिन, अरे बहू, वैसे तो पांचों समय से पहले ही जाग जाती हो। कल मैंने पंडित जी को घर बुलाया है, इसीलिए सवेरे ही सारा काम समाप्त कर लेना। और हाँ, सारा खान पान सात्विक बनाना। फिक्र मंद रहिए सासुमा, सब कुछ समय से हो जाएगा। हाँ सासुमा, आप तो सिर्फ हुकुम फरमाइए। बस इतना ही बहू, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई बड़ा पुण्य किया होगा, जो मुझे भले आचरण की पांच बहुएं मिली हैं। अगली सुबह पांचों बहू सूर्यास्त से पहले जागकर सारा कामकाज समाप्त करती हैं। तकरीबन 10 बजे पंडित जी उनके घर आते हैं। पधारिए पंडित जी। अरे कविता, बबीता, ललिता, पंडित जी का स्वागत सत्कार करो। जल्दी से जलपान का प्रबंध करो। पांचों बहू बढ़ चढ़कर पंडित जी का स्वागत करती हैं। कुछ देर बाद, पंडित जी, ये मेरे पांचों बेटों की और मेरे बहू की कुंडली है, जरा देखकर बताइए कि इनका भावी भविष्य कैसा रहने वाला है। पंडित जी एकाएक सभी की कुंडली देखकर कहते हैं, अरे बड़े दुख के साथ मुझे ये साझा करना पड़ रहा है कि आपके पांचों पुत्रों के भाग्य में अकाल मृत्यु का योग है। अरे पंडित जी, ऐसा मत कहिए। यही नियति का लेख है, ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ये सुनकर विवान गुस्से से तिल मिलाकर पंडित पर उखड़ जाता है। क्या बकता है ये पंडित, माँ आज के दौर में किस दक्यानुसी बातों पर विश्वास कर रही हो। स्मरण करो शांति, तुम्हारे पांचों पुत्रों के पैदा होने से पूर्व ही मैंने भविष्यवाणी की थी, जो सत्य हुआ होनी को कोई नहीं टाल सके, क्योंकि कुंडली यही कहती है। ये कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं और शांति की बहुएं कहती हैं, सासू माँ इतना मत सोचिए। जिठानी जी सही कह रही हैं, ज्यादा सोचने से सीधे आपकी सेहत पर असर होगा। सासू माँ, मैंने माँ के मुंह से सुना था कि 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर उमापति का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सुहागन सच्चे मन से वहां जाकर पूजा अर्चना करती है, उनके सुहाग दीर्घायु होते हैं। देर किस बात की है सुरेश, ब्रजेश बस का प्रबंध करो बेटा। जी जरूर माँ। सभी एक साथ बस में बैठकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं, मगर दुर्भाग्यवश उनकी बस सामने से चली आ रही बस से टकराती है, जिससे बस के आगे का शीशा टूटकर चूर चूर हो जाता है और आगे बैठे पांचों बेटे खाई में गिर जाते हैं। जैसे तैसे बहू और सास की जान बचती है। बेटे की बुरी मौत से शांति की आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर आता है। क्यों 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 विधि के विधाता, क्या मिला तुझे मेरी पांच बहुओं को सुहागन से अभागन बनाकर? उनका सिंदूर मिटाने से भला मेरी सासे ही छीन लेता। सासु माँ शांत हो जाइए, शायद हम पांचों के भाग्य में सिंदूर का सुख ज्यादा समय के लिए नहीं था। हाँ सासु माँ, बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है।
ऐसे ही समय गुजरता है। एक साथ पांच बहुएं एक कमरे में बातें करती हुई कहती हैं। हम पांचों इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि हमारे पति की मौत हमारे सीने में दुखद पहाड़ की छवि छोड़ गई। मगर सासू माँ के लिए संभलने का स्वांग रचना जरूरी है। हाँ, वैसे ही सासू माँ हम पांच बहुओं को बेवा देख कर दुखी रहती है। हमारा ये झूठा रुझान ही सासू माँ को शोक के सागर से बचाए हुए है। फिलहाल तो घर खर्च चल रहा है, मगर आगे के दिनों के लिए हमको कुछ करना होगा। मगर हम पांचों अन्य लड़कियों की जैसे महज मैट्रिक पढ़े हैं, इतनी कम पढ़ाई में क्या हासिल होगा? क्यों ना हम पांच बहू एक साथ आगे की पढ़ाई कर लें, इससे भावी भविष्य में हमको कामकाज मिल जाएगा। अगली सुबह पांचों अपनी पढ़ाई की सोच को सास से साझा करती हैं। माँ जी, हम पांचों आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती हैं। हाँ सासू माँ, घरेलू कामों के खत्म होने के बाद सारा दिन घर में बैठे बैठे हम पांचों ओक जाती हैं। ये सुनकर शांति अपने मन में तोल मोल करके कहती है, यही सही है। जब इन पांचों को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलेगी तो इनका ध्यान भी भटका नहीं रहेगा और ये भविष्य में आगे बढ़ पाएंगी। शांति हामी भर देती है, जिसके बाद उसकी पांचों बहुएं मन लगन से पढ़ने लगती हैं और 2 साल बाद उनकी 12वीं पूरी होती है, जिसके बाद पांचों की पढ़ाई की बदौलत उनको बड़ी सी कंपनी में काम मिल जाता है, जहां के मालिक होते हैं सेठ रायचंद। मेरी कंपनी को तुम जैसे ही होनहार स्टाफ की तलाश थी, मुझे भरोसा है कि तुम पांचों मेरी कंपनी को और आगे लेकर जाओगी। बेफिक्र रहिए सर, हम पांचों आपके भरोसे पर कायम रहेंगी। पांचों कामकाज करने लगती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक सांझ जब पांच बहुएं घर आकर जैसे ही रसोई घर का रुख करती हैं, तो शांति कहती है, अरे ठहर जाओ, पांचों सारा दिन तो दफ्तर में कमर तोड़ मेहनत करके आती हो और आकर कामकाज में उलझ जाती हो, जरा 2 घड़ी अपनी बूढ़ी सास के साथ भी बैठ जाया कर। आप सभी बैठिए, मैं जाकर झटपट सी चाय बना लाती हूँ। कुछ देर बाद, बहू मुझे तुम पांचों से तुम्हारे भावी भविष्य के बारे में कुछ बातें करनी है। कहिए ना माँ जी। शांति हिचकिचाते हुए अपना गला साफ करते हुए कहती है, देखो बहू, मेरी उम्र तो ढल चुकी है, मगर तुम पांचों के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि तुम पांचों दूजा ब्याह रचाकर नया बसेरा बनाओ। माँ जी, ये कैसी बहकी बातें कर रही हैं आप? शायद हम पांचों बहू आपके लिए बोझ बन गई है। तुम पांचों बहू से बढ़कर मेरी बेटी हो और बेटियां एक माँ के लिए बोझ नहीं होती। तो फिर ये शादी बारात की बात क्यों? क्योंकि बहू, जिंदगी का सफर बेहद लंबा चौड़ा और सुखड़ा है, जिसे चलने के लिए साथी की जरूरत हर एक को होती है। आज मैं हूँ, मगर बढ़ते बुढ़ापे में कब आंखें मूंद लूं नहीं जानती। अरे भरी जवानी में विधवा का ये फीका लिबास इस सास के सीने पर सांप की तरह लौटता है। अपनी सास की बात मान लो बहू। ठीक है माँ जी, हम शादी करेंगी। ये मंजर समाप्त हुआ ही था कि वहाँ रायचंद मिठाई और शगुन के साथ चले आते हैं। सर, आप यहाँ क्यों अचानक से? अरे आज मैं यहाँ सर की हैसियत से नहीं, बल्कि बेटों के पिता बनकर रिश्ता लेकर आया हूँ। बहन जी, ईश्वर की दया से मेरे घर में कोई कमी नहीं है, बस अपने पांचों पांडव के लिए आपकी बहू को अपनी बहू बनाने के लिए आस लिए आया हूँ। साहब, आप जानते हैं ना, मेरी बहू विधवा है। हाँ बिल्कुल, मगर इसमें इन बेचारी का क्या दोष, अब ये पांचों ही रायचंद की बहू बनेगी। मेरी बहू, तुम पांचों का भाग्य बड़ा बलवान है जो एक बार फिर खुशी तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये सास अपने हाथों से तुम पांचों की शादी का श्रृंगार करेगी। शांति हंसी खुशी अपनी विधवा बहुओं का ब्याह कर देती है, जिसे देख सारा गांव उस सास की सराहना करता है और विदाई की बेला पर पांचों बहू बिलख बिलख कर रोती हैं। अरे बहू, ये मेरी खुशकिस्मती है कि जिस घर में तुम पांचों बहू बनकर आई थी,
आज उस घर से तुम पांचों बेटी बनकर डोली में जा रही हो। नए ससुराल जाकर अपनी सास को मत भूल जाना। आप भी सासू माँ अपना हर दुख दर्द हमसे साझा करना मत भूलना। आपको अपनी बेटियों की सौगंध। आखिरकार सास ने अपनी भरसक कोशिश से अपनी पांचों विधवा बहुओं के जीवन में पुनः रंग भर दिए थे, मगर प्रत्येक सप्ताह एकाएक करके पांचों बहुओं का सास के पास आना जाना लगा रहता था। समोसे बनाने वाली सास बहू। महेश रोड क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। महेश तो बच जाता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद महेश की पत्नी सौम्या और उसकी माँ वेदना हॉस्पिटल से उसे घर लाकर कहती हैं, महेश आप ठीक तो है ना? अब आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरी आंखें चली गई हैं, पर अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सौम्या, कुछ भी नहीं। बेटा तू परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तुझे घर के राशन पानी की चिंता है, क्योंकि अब तो तेरा कारोबार भी नहीं रहा, पर हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्यों सौम्या बहू? हाँ माँ जी, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मिल गया माँ जी आइडिया, मिल गया। अब देखना हमारे घर की स्थिति कैसे ठीक होती है। आखिर सौम्या को ऐसा क्या आइडिया आया था जिसे वो अपने घर की हालातों को पहले से बेहतर कर सकती थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। कुंवारी सौम्या सुबह सुबह ठेली पर गरम गरम समोसे बनाकर चल रही थी। वो समोसे इतने अच्छे बनाती थी कि उसकी खुशबू जो सूंघता वो समोसे खाने चला आता था। ऐसे ही एक दिन महेश वहां से गुजर रहा था कि समोसे की महक उसे समोसे खाने पर मजबूर कर देती है। समोसे की खुशबू इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। सुनिए जरा एक प्लेट समोसा देना। जी ये लीजिए। सौम्या की समोसे लेकर जब महेश खाता है तो उसे समोसे बेहद पसंद आते हैं, जिसके बाद वो एक प्लेट और खाकर कहता है, अरे वाह आप तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। आज से पहले मैंने इतने सस्ते और अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। लगता है आपके हाथों में कोई जादू है। जी शुक्रिया, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहा करती थी। करती थी मतलब अब वो नहीं है? जी नहीं, कुछ सालों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर आपका नाम क्या है? जी सौम्या है, पर आपका? मेरा नाम महेश है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा मेरी फैक्ट्री का वक्त हो गया है, अब मैं जाता हूँ। ये आपके पैसे। पैसे देकर महेश चला जाता है। अगले दिन जब वो फिर समोसे की दुकान के सामने से गुजरता है तो बिना समोसे खाए रह नहीं पाता और समोसे खाता ही रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे महेश सौम्या के हाथ के बने समोसे रोज खाता, जिससे उसकी मुलाकातें बढ़ती। एक दिन दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। महेश धूमधाम से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और वेदना कहती है, बेटा ये सब क्या है, तूने मुझे बिना पूछे शादी कर ली? माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सौम्या बहुत गुड़ी बहू है, बिल्कुल आपको जैसे चाहिए थी वैसी है। अब ये गुड़ी है या नहीं वो तो मैं आने वाले दिनों में पता लगा ही लूंगी। शुक्रिया माँ जी मुझे ये मौका देने के लिए, मैं आपकी बातों पर जरूर खरी उतरूंगी। देखते हैं। ये कहकर वेदना सौम्या का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन जब सौम्या उसके पैर छूती है तो वो बोलती है, सदा सुहागन रहो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में गुजिया बनानी होगी। बना तो पाओगी ना, मुश्किल होती है वो बहुत। जी माँ जी मैं जरूर बनाऊंगी, पर आपके लिए स्पेशल चीज भी बनाऊंगी। तो जाओ तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अपनी सास की बात सुनकर सौम्या रसोई में चली जाती है और गुजिया बनाने की तैयारी करती है। बस ये गुजिया तैयार हो गई, अब इसे सेकना है। इतने में मैं समोसे तैयार कर लूंगी और दोनों को साथ सेक लूंगी। ये कहते ही सौम्या जल्दी से समोसे की तैयारी कर लेती है।
चार घंटे उसके पूरी हो जाते हैं और अपना बनाया हुआ नाश्ता वो सास के सामने रख देती है। माँ जी, मैंने ये बनाया है, अब आप चक्कर देखिए। अच्छा, तो समोसे भी बनाए हैं, अभी मैं खाती हूँ। अरे वाह, ये गुजिया तो बहुत अच्छे तरीके से बना ली तुमने, ज्यादा चीनी भी नहीं है, मेवे भी सही डाले हैं, बहुत बढ़िया। माँ जी, समोसे भी खाइए और बताइए कैसे हैं। सौम्या के ये बोलते ही वो जैसे ही समोसे खाती है तो कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो समोसा बहुत ही बढ़िया बनाया है, ऐसे समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए, ना मैंने आज तक बनाए, तूने मुझे खुश किया, इसीलिए आज से तू मेरी बहू है। ये ले सोने के कंगन, मेरी तरफ से तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, और खाइए ना समोसे। मैंने कहा था ना माँ, आपको सौम्या जरूर पसंद आएगी, उसके हाथों में जादू है, बहुत बढ़िया समोसे बनाती है, मैं तो बहुत सारे खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी बहुत सारे खाऊंगी। ये कहते ही सास और पति उसके बनाए हुए समोसे पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में सौम्या घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी से निभाती है, साथ ही तीनों खुशी खुशी घर में रहते हैं। पर अचानक से महेश का कारोबार डूब जाता है, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और सड़क पर चलते हुए वो कहता है, अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब मैं सौम्या और माँ को कैसे बताऊंगा कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सब खाक हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ, अब मैं ये सब शुरुआत कैसे करूँगा, बहुत पैसे चाहिए। उदास मन से हजार टेंशन लिए महेश चले ही जा रहा था कि उसे तेज गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती और एक गाड़ी से टक्कर उसे लग जाती है। आसपास के लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति बिल्कुल ठीक है ना, बताइए मुझे, बहुत घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब। मिसेस सौम्या, आपके पति बिल्कुल ठीक है, पर एक्सीडेंट ने उनसे उनकी आंखें छीन ली हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदना और सौम्या महेश को इस हाल में देखकर टूट जाती हैं, पर संभालती भी वही हैं। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता है, जहां सौम्या उसे दवाई देते हुए कहती है, महेशी दवाई खा लीजिए, अब आपको कैसा लग रहा है? अपने घर पर आकर सौम्या किसे अच्छा नहीं लगता, मुझे माफ करना सौम्या, मैं बिल्कुल निहत्था हो चुका हूँ, आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, कोई बात है क्या? सौम्या के ऐसे पूछने पर महेश उसे अपने एक्सीडेंट और फैक्ट्री की बात बता देता है, जिसके बाद वो कहती है, महेशी आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। पर बहू, हम क्या करेंगे? मुझे पता है माँ जी, अब हम क्या करेंगे, घर चलाने के लिए अब हमारा यही सहारा है माँ जी, आप और मैं मिलकर समोसे बनाएंगे और बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू, वैसे भी तू समोसे बनाने में माहिर है। बचत के पैसों से ही सौम्या और वेदना समोसे की छोटी सी दुकान खोलकर समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। उसकी समोसे की खुशबू से ही काफी लोग पहले दिन इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह वाह, यहाँ तो खुशबू समोसे की बहुत तेज आ रही है, अब तो समोसा खाना ही पड़ेगा। सुनिए, जरा मुझे 2 प्लेट समोसे दीजिए। जी ये लीजिए। बेटा यहाँ बैठकर खा लो आराम से। जी आंटी। दीदी जरा मुझे भी समोसे पैक कर देना, मैंने आपके समोसे पहले भी खाए हैं, आप पहले भी बेचती थी ना? हाँ हाँ मैं वही हूँ, ये लो तुम्हारे लिए एक समोसा फ्री। आहा, मेरा तो गर्मा गर्म समोसे खाकर मुंह भी जल गया, आपके समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, रुका ही नहीं गया मुझसे। खाओ खाओ बेटा, अगर कोई ऑर्डर हो शादी पार्टी का तो जरूर बताना। जी आंटी जरूर। पहले दिन ही सौम्या की काफी कमाई हो जाती है और पहले के लोग भी उसे काफी जानते थे। ऐसे ही दोनों सास बहू ने मिलकर खूब समोसे बनाए और बेचे भी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सास बहू के समोसे के नाम से मशहूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। तभी एक शेफ उनके समोसे खाकर कहता है, वाकई मैंने इतनी जगह के समोसे खाए हैं,
पर आप जैसा टेस्ट कहीं नहीं था। मैं आपके नाम की फ्रेंचाइजी से हर छोटे शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ का स्वाद पहुँचे। इसका 20% मेरे लिए और 80% आपका होगा। बताइए, क्या आपको मंजूर है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये डील मुझे मंजूर है। सोम्या की इस डील के बाद हर जगह सास बहू के मशहूर समोसे से उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है। फिर वो बहुत अमीर बन जाते हैं और उन पैसों से महेश की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। महेश पहले की तरह देख पाता और सभी खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। कटहल के पेड़ पर चुड़ैल। सहारनपुर गांव में शाम को बिरजू गाना गाते हुए टहल रहा था। उसे शहर से आए हुए 2 दिन ही हुए थे, तभी वो एक डरावने कटहल के पेड़ के पास से गुजरता है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। सैया सैया तू जो झूले प्यार से, आराम से मर जाऊं। मौसम बड़ा अच्छा है वैसे यहाँ का। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा सैया। अरे ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? बिरजू मुड़कर अपने आसपास देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता और वो फिर चलने लगता है। बिरजू रुको तो सही, मैं भी तुम्हारे सुर से सुर मिलाना चाहती हूँ, तो आओ साथ में गाते हैं। तू जो झूले प्यार से, आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाह में, तुझ में गुम हो जाऊं। बचाओ, अरे कौन है यहाँ, कौन है, सामने आओ। इतने प्यार से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ही मेरे प्यारे बिरजू। ये कहते ही चुड़ैल उस बिरजू के सामने आ जाती है। ये देखकर बिरजू बोक कर बोलता है, बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है, भाग्यवान मुझे छोड़ दो, मुझे तो इस गांव में आए 2 दिन भी नहीं हुए, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं, तूने इतने प्यार से मुझे बुलाया है, मेरा साथ थोड़ा वक्त तो बिताओ। छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं बिरजू, मैं किसी को नहीं बख्शती, तुम्हारे बाद भी कोई आएगा तो वो भी इसी तरह मारा जाएगा। ये बोलकर चुड़ैल बिरजू का गला पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन एक बुड्ढा उस पेड़ के कटहल को देखकर तोड़ने की कोशिश करता है, जहां उस पर बैठी हुई चुड़ैल पैर हिला रही थी। अरे देख रहा हूँ, काफी समय से इस पेड़ के कटहल कोई नहीं खाता, आज मैं ही इसके कटहल लेकर चलता हूँ। ये कहते ही नारायण जैसे ही एक बड़े से पत्थर से उस कटहल को तोड़ने के लिए पत्थर ऊपर की ओर फेंकता है, तो वह पत्थर चुड़ैल पकड़ लेती है और उस पत्थर को उसको मार कर कहती है, अब आया ना मजा, बड़ा आया इस पेड़ के कटहल खाने। अगर तू इस पेड़ पर से कटहल तोड़ना चाहता है तो भूल जा, वो तू कभी नहीं कर सकता, चला जा यहाँ से वरना तुझे मार डालूंगी मैं। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाले, मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, बिना कटहल लिए तो बिल्कुल नहीं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तो चल मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उस आदमी का गला पकड़कर हवा में उठा लेती है और अपने हाथ लंबे करते हुए जाती है। तभी वह घबराया हुआ आदमी कहता है, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे ये तो एक चुड़ैल है। अब पता चला तुझे मैं कौन हूँ, ये कटहल का पेड़ मेरा है, मेरा जो भी यहाँ आता है मारा जाता है, मैं किसी को कटहल नहीं लेने दूंगी, और अब तू भी गया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, देखो मुझे छोड़ दो, मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मेरा नाम नारायण है और मैं कमजोर दिल का हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, पर तू मुझे पूरा 70 साल का बुड्ढा लगता है, तेरे तो पोते पोती होंगे और तू अभी तक कुंवारा कैसे रह गया, मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, आज तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, पर तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ए, जी, 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 तू मेरे पे लाइन मारे, उससे पहले मैं तेरी लाइफलाइन ही छीन लूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उसके साथ कुछ भयानक करती, जिसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखा। इस तरह जो भी उस कटहल के पेड़ के पास आता, चुड़ैल उसे जान से मार डालती है। पर आखिर चुड़ैल ऐसा क्यों करती थी, क्या कटहल के पेड़ से उसे ज्यादा लगाव था या बात कुछ और थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं।
धीरे धीरे गांव में लोग गायब होने लग गए थे। लोगों को कुछ खबर नहीं होती कि आखिर ये सब कौन कर रहा था। तभी चुड़ैल कटहल लेने वाले इंसान को मार रही थी कि यशोदा ने चुड़ैल को ऐसा करते हुए देख लिया और वह दबे पांव वहां से भागकर सरपंच के पास पहुंचती है और कहती है, सरपंच जी, चुड़ैल। अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, लो पहले पानी पियो। सरपंच के ये कहते यशोदा पानी पी लेती है। यशोदा क्या हुआ, अब बताओ आराम से। सरपंच जी वो मैंने गांव के किनारे जो कटहल का पेड़ है वहीं मैंने एक चुड़ैल को हमारे गांव के आदमी को मारते हुए देखा है। इसका मतलब हमारे गांव में इतने दिन से जो लोग गायब हो रहे थे उसको उसी चुड़ैल ने मारा है। आप कुछ कीजिए वरना वो चुड़ैल सभी लोगों को मार डालेगी। तुम डरो मत यशोदा, अभी उस चुड़ैल के जाने का इंतजाम करता हूँ मैं। सरपंच सभी गाँव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है और सभी हाथों में मशाल लिए उस कटहल के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। तो धमकाते हुए सरपंच कहता है, देखो इस पेड़ पर जो भी चुड़ैल है वो तुरंत इस गांव को छोड़कर चली जाए। अगर तुमने अब किसी हमारे गांव के आदमी को मारा तो हम तुम्हें इस पेड़ के साथ जला देंगे। अच्छा आ गया सरपंच तू, और कितनी बार मुझे इस पेड़ के साथ जलाएगा, बोल कितनी बार। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम। मैं बताती हूँ सरपंच तुझे, तेरे कर्म कांड मैं याद दिलवाऊंगी। याद कर आज से 6 महीने पहले सीता नाम की औरत इसी पेड़ के पास झोपड़ी में रहती थी। वो औरत मैं ही थी। मैं बेचारी जैसे तैसे अपनी माँ का ख्याल रखकर इस कटहल के पेड़ से मंडी में कटहल बेचकर गुजारा चलाती थी। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल। अरे बहन जरा मुझे भी आधा किलो कटहल देना। ये लो बहन। सीता दिन प्रतिदिन कटहल ही बेचा करती थी, पर पहले के दिन से आज उसने कटहल की ज्यादा कमाई की थी। ये पैसे वह अपनी माँ को दिखाती है। माँ माँ देखो आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं, जादू हो गया आज तो। ये तो बढ़िया हो गया बिटिया, ऐसे ही लगन से काम करती रहे। धीरे धीरे सीता पैसों को जमा कर लेती है और एक दिन सरपंच का साला मोहित उसे इतने सारे पैसों के साथ देखकर कहता है, 2 दिन पहले इसने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, अब पूरे गांव में इसे जीजाजी से बेइज्जत करवाऊंगा। ये बोलते ही मोहित सरपंच से कहता है, जीजाजी मैंने अपने कमरे में पैसे रखे थे, वो गड्डी मिल नहीं रही। कल सीता यहाँ आई थी, मुझे लग रहा है उसने ही पैसे चुराए हैं। पर वो क्यों आई थी? मुझसे पैसों की मदद मांगने आई थी पर मैंने उसे मना कर दिया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि उसने चोरी कर ली। ऐसी बात है तो मैं उस चोरनी को छोड़ूंगा नहीं, पैसे चाहिए थे तो मदद मांग लेती। ये कहते ही सरपंच सीता को गांव में चोरनी कहकर इल्जाम साबित कर देता है। सरपंच जी मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो मोहित जी को प्रसाद देने आई थी, भला मैं पैसे क्यों लूंगी, ये मुझे फंसा रहे हैं, मेरा कटहल को बेचकर काम चल जाता है। देखा जीजाजी कैसे झूठ बोल रही है, मैं तो कहता हूँ इसी कटहल के पेड़ से ही बांध के जला डालो इसे, वैसे भी इसका कोई नहीं है। ठीक है बांधो इसे कटहल के पेड़ से और जला दो। ये कहते ही सरपंच उसे कटहल के पेड़ से बांधकर गांव वालों के सामने जलवा देता है। बस उसी दिन से सरपंच मैं चुड़ैल बनकर इस पेड़ पर हक जमाए बैठी हूँ, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, मरेंगे सब। नहीं नहीं सीता मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इन मासूम लोगों को मेरे किए की सजा मत दो, मैंने अपने साले की बात मानकर बहुत गलत किया, अरे मुझे माफ कर दो। नहीं जान के बदले जान, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊं तो मोहित को मेरे हवाले कर दो, सारी गलती उसकी है। हाँ हाँ सरपंच जी मोहित को हवाले कर दो, उसने सीता के साथ गलत किया है। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर मोहित भागता ही है कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मोहित तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला, अब तेरे मरने की बारी है। सरपंच मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये कहते ही चुड़ैल उसे हमेशा के लिए आसमान में लेकर गायब हो जाती है, जिसके बाद कोई भी अब उस कटहल के पेड़ से नहीं डरता था। लहंगों का जादुई पेड़। 18 वर्षीय लांची अपनी माँ संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया, ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं। संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लांची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे ही वो स्टेज पर आती है उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लांची तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को। क्यों शोभा क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती।
शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहां से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निश्चिन एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गांव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। देखा, मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदे पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक मुंह आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियाँ सहेलियाँ अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूँ, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया। इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है। लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, ये जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या कहती है, अरे लाची, इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर चली आ रही है? किसके हैं ये लहंगे? माँ, ये लहंगे तुम्हारी बेटी लाची के हैं। ये सभी लहंगे तो बड़े महंगे लग रहे हैं, पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? पैसों का पेड़ तो नहीं माँ, मगर लहंगों का जादुई पेड़ हाथ लगा है। इन लहंगों को बेचकर हमारे घर की बदहाली दूर हो जाएगी, फिर आपको मेरे लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जादुई पेड़ से मिले लहंगों को लेकर लाची बाजार के बड़े लहंगे व्यापारी से बेचकर उन पैसों से अपने घर की घनघोर गरीबी से निजात पा जाती है। कुछ ही दिनों बाद रचना की शादी का दिन आ जाता है। लाची, आज तेरी सखी की शादी है, जाना नहीं क्या? ये सुनकर लाची असमंजस में पड़ जाती है। जादुई पेड़ से मिले सभी लहंगों को तो मैंने उस व्यापारी से सौदा कर दिया। खैर कोई नहीं, मेरे पास जादुई लहंगे का पेड़ तो है और अभी शादी में सांझ तक की देरी है। लाची दौड़ते भागते हुए जादुई पेड़ के पास चलकर आती है और कहती है, ए लहंगों के जादुई पेड़, इसी पलछिन मुझे सुंदर सा लहंगा दो। लाची के कहते लहंगों का जादुई पेड़ सुनहरे किरणों के साथ प्रकाशमान होकर सैकड़ों लहंगों से लद जाता है। लाची की नजर चमकीले लहंगे पर गड़ जाती है। वो उस लहंगे को लेके घर चली आती है और सज धज कर शाम को रचना की शादी में आती है और रचना कहती है, अरे वाह लाची, तेरा चमकीला लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, एकदम हीरे के जैसे, पूरे माहौल को चकाचौंध कर रहा है। क्यों रचना, मेरा सुंदर लहंगा देखकर तुम्हारे बोलने का स्वर ही बदल गया? तुम अमीर तबके के लोगों के लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं। खैर शादी मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लाची का सच भरा लहजा रईस रचना को भरे समाज में शर्मसार कर जाता है। लाची घर आकर अपनी माँ संध्या से सारी बातें साझा करते हुए कहती है, माँ, आज अमीरी के नशे में चूर होकर सभी रईस गरीब को अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं।
मगर मैं लहंगों के जादुई पेड़ का सदा सदुपयोग करूंगी। अब से किसी भी गरीब बेबस की बेटियों की विदाई अमीरों के उतरन पहनकर नहीं होगी। मैं लहंगों के जादुई पेड़ से सभी दुल्हनों के लहंगा मुहैया कराऊंगी। जब कभी गांव में किसी भी गरीब बेटी की शादी होती, लाची लहंगों के जादुई पेड़ से मदद की गुहार लगाती और उन दुल्हनों को लहंगा देती। ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अंत में लाची का रिश्ता व्योम से तय हो जाता है। लाची, कल तेरी सगाई और इसी सप्ताह में तेरी शादी भी है। सारा बंदोबस्त हो चुका है सिवाय तेरे लहंगों के। हाँ माँ, मैं लहंगे लेने ही जा रही हूँ। लाची लहंगों के जादुई पेड़ के पास आकर कहती है, ए लहंगे के जादुई पेड़, मुझे मेरी शादी और सगाई के लिए सुंदर सा लहंगा दे दो। लहंगों का जादुई पेड़ दो सुंदर सोने और हीरे के लहंगों से लद जाता है और पेड़ अक्षर समेत प्रकट होकर कहता है, लाची ये दो लहंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के पश्चात मैं पुनः तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये दोनों लहंगे खड़े सोने और हीरों से जड़े हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े इनके नगों मोतियों से तुम्हें मोल मिल जाएगा और लहंगे के उस स्थान पर एक नए मोती लग जाएगा। विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके पश्चात लाची घर आ जाती है और अपनी सगाई शादी के अवसर पर सोने और हीरे का लहंगा पहनकर पूरे साजबाज के साथ संध्या उसकी शादी कर देती है। चुड़ैल सास। ये कहानी है सितारपुर गांव में रहने वाले एक संयुक्त परिवार की, जिसमें भार्गवी ब्रजेश नाम का एहसान फरामोश दंपत्ति रहा करता था। ब्रजेश की बूढ़ी बेबस माँ भी परिवार में शुमार थी। बढ़ते बुढ़ापे में शीला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। उसकी आंखों के आगे पड़ी झुर्रियां उसके बुढ़ापे को साफ तौर से साझा कर रहे थे। अरे ओ सासू माँ, इतनी जोर शोर से करहाने का झूठा स्वांग रचा कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? अरे बहू, सवेरे से मेरे टखनों में बड़ी बाधा है, जरा सा तेल मल दे। अरे ओ मेरी बूढ़ी सासू माँ, एक तो सारा दिन बिछौने पर पड़ी रहती हो, एक दिन का तक नहीं हिलाती, सारा काम मेरे सर माथे मड़कर मजे मारती रहती है, ऊपर से तुम्हारे तन का मलवान करूं? मैंने तुम्हारी सेवा सहाय का बेड़ा नहीं उठा रखा। गनीमत है जो पका पकाया खाना पेट भरने को मिल जाते हैं। चुपचाप से खाना ठूसो और सो जाओ। खाने के नाम पर भार्गवी शीला को रात की बासी रोटी और प्याज पकड़ा आती है। रात भर में रोटी भी एकदम अकड़ गई थी, जिसे देख बेचारी बूढ़ी शीला सहमे स्वर में कहती है, अरे बहू, भला ये सूखी रोटी मुझ बुढ़िया के दांतों से कैसे चबाई जाएगी? जरा सा दूध दे देती तो बात बन जाती। ये सुनकर भार्गवी भौहें ऊंची करते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी ब्रजेश वहां आकर कहता है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अजी और कैसा, एक तो तुम्हारे पूजनीय पिताजी स्वर्ग से धारते वक्त एक पाई देकर नहीं गए, मगर अपनी पत्नी पनौती को हमारे पल्ले बांध गए। तुम्हारी इस बूढ़ी माँ के चलते मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। अब मैं इस घर में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे देखकर मेरा कलेजा कुड़ता है। ब्रजेश को ऐसे चुप्पी साधे खड़ा देख शीला की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वो पिसे मन से कहती है, ब्रजेश बेटा, बहू का ऐसा स्वर सुनकर भी तू चुप्पी साधे क्यों खड़ा है, कुछ तो बोल। अरे माँ, आप दोनों सास बहू का महाभारत देखकर मैं अब ऊब चुका हूँ। माँ और पत्नी के बीच में पिस रहा हूँ। बढ़ते बुढ़ापे में शायद आप सटियाती जा रही हैं। बेचारी मेरी बीवी को सुनाती रहती हैं। इससे बेहतर तो आप ही कहीं चली जाती। ब्रजेश की बुरी बातें उस बूढ़ी माँ के मन को तार बघार कर देती है और वो उसी पल छिन रोती बिलखती वीरान सुनसान राह की ओर अग्रसर होते हुए जंगल में जा रुकती है और एक पेड़ के सहारे बैठकर दहकती हुई कहती है, हे दाता, देख तेरी बनाई दुनिया में ये दौर आ गया है कि कोख का जना बेटा बहू के बहकावे में आकर बूढ़ी माँ को वनवास दे रहा है। बेटे का बुरा बर्ताव शीला के सीने को सोब के सागर में भर देता है और वो एकाएक स्तब्ध होकर वहीं ढेर हो जाती है। शव को भेद कर शीला एक चुड़ैल के रूप में बाहर आकर अपने मृत शरीर को निहारती हुई कहती है, नहीं छोड़ूंगी, मेरे बेटे और बहू के कारण मुझे संसार से जाना पड़ा। अब मैं अपने चुड़ैल सास के अवतार से अपनी बेशरम बेहुदा बहू और अपने बेटे को मजा चखाऊंगी।
ऐसा बोलकर चुड़ैल सिसियाते सन्नाटे में आसमान में बाहें फैलाकर अपने घर आती है। मेरी टिकट काट कर ये दोनों नींद की दुनिया में दुर्राटे काट रहे हैं, अभी इनकी नींद हराम करती हूँ। बौखलाई चुड़ैल सास सबसे पहले अपनी बहू पर ताबड़तोड़ चांटों की बौछार करती है, तभी नींद से जागकर भार्गवी कहती है, सूत डाला रे ससुराल। भार्गवी अपनी सोई हुई पति को एक तमाचा जड़ती है कि बिरजू बड़ी आंखें करके उठ खड़ा होता है। अरे भगवान, ये क्या दबंग गई है? अरे आधी रात अपने पति को पीटकर कौन सी नारी शक्ति साझा कर रही हो? मैंने सिर्फ एक टिप्पी मारी है, मगर तुमने तो मेरा सारा शरीर सुजा दिया। छत से चिपकी चुड़ैल दोनों के बीच भिड़ंत होता देख मजे लूट रही थी। दोनों की वाद विवाद देर रात खत्म होती है। ऐसे ही एक रात खिड़की के खड़के से ब्रजेश की आँख खुलती है कि एक भयानक दोहरी आवाज उसके कान में पड़ती है। उत्तना! अरे भार्गवी, भार्गवी उठो। अरे सोने दो ना। अरे भगवान उठो, यहाँ कोई है। भार्गवी बिछोने से उठकर चारों ओर ताकते हुए कहती है, अरे बौरा गए हो क्या? कोई भी तो नहीं है यहाँ। अरे नहीं, जरूरी यहाँ पिताजी की आत्मा पधारी है, क्योंकि केवल माँ और पिताजी ही मुझे पुत्तन पुकारते थे। ये सुनकर भार्गवी की भी हवाइयाँ गुल हो जाती है और खौफ के मारे उसकी भी अंतड़ियाँ सूखने लगती हैं। दोनों पसीने से सराबोर हो चुके थे, जिसे देख चुड़ैल कहती है, इन दोनों दंपति के चेहरे पर खौफ का मंजर देख कर मुझे सुकून मिल रहा है, आज के खातिर इतना ही बहुत है। ऐसे ही चुड़ैल सास प्रत्येक दिन उन्हें सता रही थी। मैं चुड़ैल सास इस भार्गवी को इतने भय से भर दूंगी कि ये भूतकाल से लेकर भविष्य में इसके हाथ किसी के साथ सताव ना करेंगे। बदले की भावना से चुड़ैल भार्गवी का काम बढ़ा दिया करती। कभी रसोई घर में सामान बिखरा देती तो पल भर में ही चीजें इधर की उधर हो जाती। फिर एक रात, पानी पानी, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। पानी पीने के लिए भार्गवी जैसे ही रसोई घर का रुख करती है तो रसोई घर का भयावह मंजर देखकर वो भौचक्की रह जाती है। ये करची कुकर हवा में कैसे उछल रहे हैं? भूत! ब्रजेश, अरे ब्रजेश जल्दी आओ। ब्रजेश के आते ही सारा माहौल थम सा जाता है और चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक मैं बेबस बुढ़िया बनकर जिंदा थी तब तो सारा दिन मेरी बिगड़ी बेबाक बहू की गज भर की जुबान गूंजती रहती थी, अब कहाँ गई इसकी बकैती। अरे भार्गवी, आधी रात चमगादड़ की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अजी, जब मैं रसोई घर में आई तो सारा बर्तन सामान हवा के बीचों बीच उमर घुमर रहा था, जैसे ये सब कुछ कोई बुरी शक्ति के इशारों पर चल रहा था। अरे जरूर तुम आँख मूंद कर सपने में ही आ गई होगी, देखो सारा सामान अपनी जगह पर है। दोनों बात काट कर सोने चले जाते हैं। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। सांझ के 8 बजे दोनों खाने की मेज पर बैठते हैं, तभी सामने की कुर्सी में हलचल होती है। देखा तुमने, कुर्सी ऐसे चरमराई जैसे साक्षात सासू माँ आ गई। सुनो जी, सासू माँ स्वर्ग से धार कर कहीं चुड़ैल तो नहीं बन गई? वो ऐसा कह रही होती है कि घर की बिजली बेडौल होकर जलने बुझने लगती है, जिसके साथ खिड़की दरवाजे खटकना शुरू हो जाते हैं और चुड़ैल अपने भूतिया अक्ष में आकर भयानक हंसी हंसने लगती है। तुम दोनों के चलते मेरी जान गई है, तुम मरोगे। चुड़ैल, अरे भागो ब्रजेश। अरे भागो भगवान। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते भागते गांव की सीमा सड़क पार करके पटरी पर पहुंचते हैं। मुझसे भाग कर कहां जाओगे? तुम दोनों की मौत निश्चित है। चुड़ैल सास अपनी शैतानी शक्ति साध कर पटरी के दोनों छोर में रस्सी के बंधक में उन दोनों को बांध देती है और हाथों में मशाल लिए कहती है, इंसानों की दुनिया में तुम दोनों जैसे दंपति जीते जागते दरिंदे हैं, तुम दोनों को जिंदा जलाकर अपनी मौत का बदला लूंगी। अरे माँ, ऐसा मत करना, मैं तो तुम्हारा सपूत हूँ। सपूत नहीं तो कपूत है, सोचा था बुढ़ापे में तू मेरी लाठी बनेगा, मगर तू तो दूध का कर्ज भी अदा ना कर सका, आज मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे ही चुड़ैल मशाल की लौ बढ़ाती है, भार्गवी कहती है, माँ जी
इन्हें मत मारिए वरना मेरे पेट में पल रहा बच्चा पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाएगा। क्या माँ, भार्गवी माँ बनने वाली और आप दादी। खुशखबरी सुनकर चुड़ैल की आंखों से खून के कतरे जमीन में गिरते हैं। आने वाले नए मेहमान के मुंह में वो कहती है, तुम्हारे पेट में पल रहे अपने पोते के लिए मैं अपना प्रतिशोध बिसार रही हूँ, मैं जाती हूँ। हमारी मंजिल एक साथ है। माँ जी, मेरे किए करतूतों को भी भुला दीजिए, घर चलिए। उस दिन के बाद चुड़ैल सास अपनी बहू के साथ रहने लगी। गर्भावस्था के दौरान चुड़ैल बहू का खूब ख्याल रखती है। देखते ही देखते भार्गवी के गर्भावस्था के 9 महीने के पड़ाव के साथ एक प्यारे से बेटे को वो जन्म देती है। अब चुड़ैल अपने परिवार और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी।